जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात आती है तो सक्सेसफुल तैयारी की रणनीति बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परीक्षा के लिए तैयारी करना। और जब यूपीएससी पास करना एक लक्ष्य हो तो रणनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को भारत में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कहा जाता है, जिसके लिए हर साल लाखों छात्र तैयारी करते हैं। लेकिन परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जो बात सबसे खास होती है वो है जीतने की रणनीति के साथ विषय को वैचारिक और व्यापक समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। यदि आप उन लोगों में से हैं जो यूपीएससी परीक्षा को पास करना चाहते हैं लेकिन रणनीति को लेकर उलझन में हैं और आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए किक स्टार्ट की आवश्यकता है, तो हम आपके लिए कुछ व्यापक रणनीतियां लेकर आए हैं जो आपको यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को क्रैक करने में मदद करेगी। लर्न टू अनलर्न। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने दायरे और समझ में किए जा सकने वाले योगदान के कारण करियर के रूप में चुना जाता है। यूपीएससी की तैयारी से जुड़े सभी मिथ को और अफवाहों को दूर करें। ये न केवल वैचारिक स्पष्टता हासिल करने के लिए बल्कि वर्तमान परिदृश्य के साथ इसे सहसंबंधित करने में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस धारा के अपने अध्ययन के परतों को व्यवस्थित करके अपनी खुद की नई शुरुआत करें। टाइम बाउंड गोल्स। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक व्यापक और संयुक्त रणनीति के साथ शुरुआत करके अपने लक्ष्यों की योजना बनाएं। एक ठोस योजना के साथ विषयों को महीने आवंटित करके 12 महीने के समय को विभाजित करें। जनवरी से मार्च सभी स्टेटिक विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि और यूपीएससी मुख्य के लिए वैकल्पिक विषयों को अंतिम रूप दें। अप्रैल से जून यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य दोनों के लिए सभी सामान्य अध्ययन विषयों के पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक दिन कुछ घंटे देकर वैकल्पिक विषयों की तैयारी में तेजी लाएं। जुलाई से सितंबर गियर बदलें और अपनी गति तेज करें। उत्तर लिखने का अभ्यास करें और साथ ही सप्ताह में एक दिन निबंध लेखन के लिए समर्पित करें। अक्टूबर से दिसंबर यूपीएससी मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक और सभी सामान्य अध्ययन विषयों को दोहराने के लिए जितना हो सके उतना समय समर्पित करें। खबरें कभी पुरानी नहीं होती। समाचार पत्र के साथ नियमित एवं सुसंगत रहकर करंट अफेयर्स को समय पर पूरा करना एक कार्य है। जो कोई भी नोट्स बनाकर और संशोधित करके दैनिक समाचारों के प्रवाह के साथ बने रहने की गतिशीलता हासिल कर सकता है उसने आधी लड़ाई जीत ली है। बाद में कवर की जाने वाली सामग्री को इकट्ठा करते रहने बोझ कम होने के बजाय बढ़े जाते हैं। खबर तो रोज आती है, इसीलिए इसे अलग अलग विषयों के साथ जोड़कर प्रतिदिन पढ़ना और समझना चाहिए। बहुत अधिक ऑनलाइन सामग्री वाली साइटों से भ्रमित ना हो। यूपीएससी की तैयारी के लिए सामग्री महत्वपूर्ण है, हालांकि ये छात्रों को भ्रमित भी कर सकती है। जब वे संसाधनों की तलाश के लिए कई ऑनलाइन स्रोतों पर सर्फिंग करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढेर सारी सूचनाओं से भरे पड़े हैं। इसीलिए आपके लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना समय व्यतीत करने में विवेकपूर्ण होना महत्वपूर्ण है। उन्हें चुने तो जो आपका समय बचाए और आपकी तैयारी की और बेहतर बनाए। एक से दूसरे के पास जाने से ज्यादा मदद मिलेगी। यूपीएससी पेपर पैटर्न को डीकोड करें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में क्या और क्यों पूछा जा रहा है, इस बात पर नजर रखते हुए पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों का ग्रहण विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अधिकतम संख्या में प्रश्नों का प्रयास करें और विश्लेषण करें कि आपके प्रश्न गलत क्यों हुए और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती और जिससे
सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तैयारी की गति बढ़ या घट सकती है, लेकिन अभी कभी रुक नहीं सकती। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षा केवल ज्ञान परीक्षण नहीं है, बल्कि एक सिविल सेवक बनने के लिए किसी व्यक्ति की सर्वणशीन क्षमता जानने की एक तरीका है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।